नमस्कार, बात करेंगे फलित ज्योतिष में सीरियल नंबर 13 की और हम आगे पढ़ते पढ़ते केतु तक आ चुके हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। चलिए बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। देखिए, राहु और केतु को इमेजिनरी पॉइंट बताया गया है या छाया ग्रह है, इसको हमने पहले बतलाया है। तो राहु और केतु के प्रभाव में ज्यादा अंतर नहीं है, एकाध कुछ अंतर बस है, बाकी दोनों का जो गुण स्वभाव है वह लगभग एक सा है। कुछ अंतर क्या है, ये राहु को शनिवत कहा गया है, शनि के समान फल देने वाला कहा गया है, और केतु को कुजवत कहा गया है। कुजवत मतलब कुज कहते हैं मंगल को, मंगल के समान फल देने वाला बतलाया गया है। चलिए चलते हैं, केतु छाया ग्रह है, इसको हमने बतलाया है। ये स्लेटी धुएं जैसा होता है, अति वृद्ध ग्रह है, राहु और केतु भी वृद्ध ग्रह में आते हैं, मलिन स्वभाव इनका भी है, तमोगुण ये भी है, फीका स्वाद रखने वाला है, तीक्ष्ण व दारुण स्वभाव वाला है। यहां पर तीक्ष्ण शब्द आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। चूंकि आप सभी को हमने बताया है कि मंगल वो ग्रह है जो लड़ाई झगड़ा और तमोगुण अधिक रखता है, और ये कुजवत है मतलब मंगल के समान है, तो ये तीक्ष्ण ग्रह है, ये भी सार्प ग्रह है, ये भी लड़ाई झगड़ा कराने में सक्षम है, और कहीं जन्म कुंडली में मारक भाव अथवा विवाह स्थान को अगर देख लिया तो ये वहां पर लड़ाई कराने से पीछे नहीं हटते। आगे चलते हैं म्लेच्छ जाति। हमें बताया कि इंटरकास्ट देखना हो या दूसरा धर्म देखना हो तो हम इसी से देखेंगे। म्लेच्छ जाति कुजवत प्रभाव हमने बतलाया है, कुजवत प्रभाव मरणात्मक प्रभाव देने वाला, जन्म कुंडली में अगर मारक भाव को देख ले या फिर यह विवाह स्थान को देख ले तो वह मरणात्मक प्रभाव भी दे देता है। क्रीड़ा स्थल इनका शमशान है, राहु का भी शमशान था, रात्रि बलि राहु शनि केतु सब रात्रि बलि होते हैं, लहसुनिया इनका रत्न हो गया है, और रौद्र स्वरूप वाला बतलाया कि स्वरूप कैसा है, रौद्र गुस्से वाला है, कि केतु चिड़चिड़ापन देता है, केतु गुस्सा देता है। ध्वज इनका चिन्ह है, जब आप नवग्रह देखते हैं, जब हम लोग पूजा के वक्त बनाते हैं वो जो चित्र बनाते हैं उसमें ध्वज का चित्र दिया गया है, और ये कुल का उन्नति करने वाला भी है। अब ये सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है कि एक पाप ग्रह कुल की उन्नति कैसे करेगा, इनको तो कुल को बर्बाद करना चाहिए। तो जो ग्रह जो देता है वह छिनता भी है, और हम शास्त्रों की मानते हैं, अपना कुछ नहीं कहते। नवग्रह मंत्र में आप सभी पढ़े होंगे क्या, सूर्यः शौर्य मथेन्दुर्च पदवीं सन मंगलम मंगलः शद बुद्धिम बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्राम सुखम समसनिः राहुर बाहु बलम करोतु, राहु बाहुबल देता है, सततम केतु कुलस्य उन्नति। यहां पर लिखा है सततम केतु कुलस्य उन्नति, कुल का उन्नति देने वाला, कुल को बढ़ाने वाला ये केतु ही है। किसी का अगर संतान नहीं हो रहा हो, कुल आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो केतु को अवश्य ठीक करे। ध्वज, ध्वज का मतलब ही है उन्नति होना, तो इस प्रकार से कुल का उन्नति कराने वाला भी केतु होता है। तंत्र मंत्र इनकी विद्या है, ये विद्या देते हैं। मोक्ष कारक, अब आप सभी इस बात पर ध्यान दें, मोक्ष कारक अधिकतर आप सुनेंगे केतु 12वें भाव में बैठा हो तो मोक्ष देता, मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता, मोक्ष जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, ईश्वर कृपा अगर हो जाए, गुरु कृपा अगर हो जाए तो जाकर के मोक्ष देता, वरना हर एक कुंडली जिसमें 12वें भाव में केतु बैठा हो मोक्ष ही का नाम हम लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मोक्ष का देने वाला है, मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि मरने के बाद जो मोक्ष होता है, ये जीते जी भी छुटकारा दिला देते हैं।
आपके मन को उच्चाटन जैसा बना देंगे। इनकी महादशा में आप पाएंगे कि उखड़ा हुआ मन हो गया है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप कुछ विशेष विचार में डूब चुके हैं, आप अपने आप में फुसफुसाने लग गए हैं, बड़बड़ाने लग गए हैं, ये केतु दे देता है। तो मोक्ष कारक जान करके ये नहीं मानना है कि ये पूरा पूरा मोक्ष ही देने वाला है, मोक्ष के लिए अन्य भावों को और अन्य ग्रहों को भी देखा जाना चाहिए। राशि परिवर्तन 1.5 वर्ष राहु और केतु समसप्तक होते हैं और राशि परिवर्तन जब भी करते हैं 1.5 वर्ष में एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु के मामले में हम एक चीज और कहना चाहेंगे, ये मार्गी कभी नहीं होते। सभी ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जब जाते हैं तो मार्गी अवस्था में जाते हैं, हमेशा मेष से वृषभ की तरफ बढ़ेंगे, परंतु ये केतु और राहु ये वक्री होते हैं। वक्री मतलब ये पीछे चलते हैं, मेष में है अभी तो उसके बाद में ये मीन में चलेंगे, ये वृषभ में नहीं जाएंगे, तो ये हमेशा वक्री होते हैं, इनको हम वक्री बताते हैं। तो राहु केतु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है और मार्गी नहीं, हमेशा वक्र ही चलता है, ये कभी मार्गी नहीं होते। तो इस तरीके से हम लोगों ने राहु और केतु के बारे में भी जान लिया। अब हमारा जो नवग्रह की श्रृंखला है, परिचय है, वह समाप्त हुआ। अब हम ज्योतिष के और जो अन्य भाग है उसकी तरफ बढ़ेंगे, ज्योतिष को जल्दी से जल्दी सीखेंगे। अब हम ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लाएंगे जिससे आपको ज्योतिष सीखने में बड़ा मजा आएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।